मैं डॉक्टर करुणा महिंद्रा एक मैसेज देना चाहूँगी। जो लोग कला के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो हमें निरंतर काम करते रहना होगा। किसी भी मुकाम पे पहुँचने के लिए हम इतनी जल्दी नहीं पहुँचते और हमें लगातार काम करते रहना होगा टू हैव दैट इफेक्ट इन आवर वर्क। गूगली एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार। आज हम आपके रूबरू करने जा रहे हैं प्रोग्राम सफ़रे ज़िंदगी में बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट, और मैं बोलूँगा कि लुधियाना के प्रसिद्ध आर्टिस्ट करुणा महिंद्रा जी आज गुरु नगरी पहुँचे हैं, गुरु नगरी अमृतसर में आए हुए हैं केटी कला में। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आर्ट क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल करे और कैसे अभी भविष्य में ये अपना सफ़र जारी रखेंगे। इन बातों पे ये आधारित होगी सारी गलबात। तो मिलते हैं करुणा महिंद्रा जी से। नमस्कार जी। कला की दुनिया में अगर मैंने कुछ मुकाम हासिल किया है तो शायद वो मेरा बचपन से ही पैशन था, और एक बड़ा ही घर का माहौल बड़ा ही कॉर्डियल था, बड़ा ही प्यार भरा था, और मेरे को एनकरेजमेंट मिलता रहा पेरेंट्स की तरफ से, रिलेशंस में, फ्रेंड्स में। तो फॉर्चुनेटली स्कूल से ही शुरू हो गया था कला की तरफ रुझाव, और विन करना है कॉम्पिटिशन्स में, और बड़ा अच्छा स्कूल में अच्छे नज़रों में रहे टीचर्स के, प्रिंसिपल के, और करते करते आपका एक वो फ्यूचर प्रोफेशन भी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो एक लेवल तक पहुंचने के बाद, स्कूलिंग के बाद, तो एक बन ही गया था कि प्रोफेशनल डिग्री करनी है। और फिर फॉर्चुनेटली आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, और कॉलेज में पहुंचने के बाद तो फिर जैसे आपके पैशन को पंख लग गए, और बहुत अच्छी फैकल्टीज़ और बहुत ही सच अ वंडरफुल कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला, और बहुत कुछ सीखा। और फिर करते करते 5 साल पढ़ाई की अप्लाइड आर्ट में, और लाइक जैसे आपको बहुत आप एक्साइटेड हो जाते हो, जैसे आप पंख फैलाना चाहते हो कला की दुनिया में, और उड़ान भर ली, और बस वो आप ये समझिए कि वो उड़ान अब और खुले आसमान में और बहुत ऊपर तक जा रही है, और अभी भी बहुत इच्छा है कि और आगे जाना है। और करते करते फिर बहुत पार्टिसिपेशंस हुई, और इंटरनेशनल शोज़ किए, 9-10 कंट्रीज़ में भी मैं गई, और कई दफ़ा गई रादर। तो एक नेचर के साथ जुड़ाव शुरू से ही था, बचपन से ही था नेचर के साथ, एक जैसे निजी आपका एक पर्सनल रिलेशन है। और करते करते वो नेचर ही डिपिक्ट करती थी, और गहरे जंगल जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता या नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि थोड़ी जहाँ पे आदमी पहुँचना शुरू कर देता थोड़ा वो प्योरिटी नहीं रहती फॉरेस्ट की भी। तो इस तरह से मेरा सब्जेक्ट रहा। फिर मेरा और पढ़ने का भी मन था, और दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में एजुकेशन हुई, दिल्ली में बड़ी हुई, और उसके बाद शादी भी दिल्ली में ही हुई। तो मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम था कि मैं पंजाब मूव करने का, लुधियाना, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो वो पंजाब में लुधियाना में मूव हुए, और वहाँ पर ही स्टार्टेड विद हिज बिजनेस, और मैं फिर धीरे धीरे वो फैमिली लाइफ शुरू हो गई,
और मुझे लगा कि सिटी इज़ नॉट लाइक दिल्ली और यहाँ पे कुछ और नहीं कुछ कर सकते एक्सेप्ट पढ़ाने के, तो मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया और कॉलेज में मैंने पढ़ाया, साथ साथ मैं आगे पढ़ती भी गई। मैंने सेकंड मास्टर्स की इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्ट। पैशन ऐसा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और शोज़ भी हो रहे हैं, घर में बच्चे भी हैं, घर में बड़े भी हैं, तो वो सारा कुछ सब कुछ साथ साथ निभाते निभाते और पैशन को भी अलाइव रखा। जैसे पैशन आपकी जुनून है, आपकी जान है, उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो आई जस्ट केप्ट कैरी ऑन विद माय पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड क्रिएटिविटी। तो करते करते आई मिस्ड कि लुधियाना में गैलरी नहीं थी और मुझे लगा कि अच्छा शायद कभी गैलरी बन जाए। आई केप्ट वेटिंग फॉर मैनी ईयर्स। अल्टीमेटली लगा कि जब घर की कंस्ट्रक्शन हुई तो लगा कि एक फ्लोर ना डेडिकेट करते हैं गैलरी के लिए, एंड वी स्टार्टेड विद द गैलरी एंड ऑल्सो विद द अकेडमी। तो वो कला के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, हर लेवल पे, हर जनरेशन्स के साथ, कला के साथ जुड़े रहने का मौका मिला। और अपना तो जो मेरा चल रहा था वो तो चल ही रहा था, स्टिल आई वॉन्टेड कि मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। फिर आई स्टार्टेड विद द डॉक्टरेट और फॉर्चुनेटली मेरे को मौका मिला, कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ पंजाब मेरा सब्जेक्ट था, जिसमें मैंने पंजाब के कलाकारों को फोकस किया अपने रिसर्च में, जिसमें से काफ़ी तो मेरे टीचर्स थे। तो मुझे एक बड़ा अच्छा फील हुआ कि मैं जहाँ से मैं पढ़ी, जहाँ से मैंने इतना ज्ञान हासिल किया, जिन जिन फैकल्टीज ने, जिन टीचर्स ने पढ़ाया, मैं अब उनके और गहरे उनके बायोग्राफी पढ़ रही हूँ, उनकी कैसे ग्रोथ हुई और उसके साथ साथ और भी पेंटर्स जो थे। तो ये बड़ा अच्छा सफ़र रहा और एक्सप्लोर करती रही, एक्सपेरिमेंटल काम करती रही और शोज़ करती रही। तो इस तरह से जो मेरी जर्नी मेरी जो चलती गई और आई थिंक मैं आज भी उतनी ही यंग हूँ जितनी मैं कॉलेज टाइम में थी। मेरे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं आई स्टिल वांट टू वर्क मोर एंड मोर एंड एक्सप्लोर मोर एंड मोर। डॉक्टर करना महिंद्रा जी, जैसे आप बाहर जाते हो कला वर्कशॉप के लिए या कला प्रदर्शनी के लिए, वहाँ बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट भी आपको मिलते होंगे, उनसे मुलाकात भी होती होगी, कई कई नई तकनीकें उनसे सीखने को मिलती हैं, कोई वो नाम बताएं जो आपको याद हैं और जिनसे आपको आगे भविष्य में कुछ जो चाहिए होता है कला के क्षेत्र में वो मिलता है या मिलने वाला है, वो नाम हमें ज़रूर बताएं। मेरी कला की जर्नी में मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, बहुत बड़े बड़े कलाकारों से पढ़ने का, सीखने का मौका मिला। जैसे मैं बताती हूँ, पीएन मागो हमारे फैकल्टी होते थे, मंजीत बाबा थे, धनराज भगत थे और प्रेम सिंह जी, सरदार प्रेम सिंह जी और रमेश्वर बरूटा जी और शोभा सूद और भी बहुत पेंटर्स हैं जो शायद मैं बताते बताते नाम स्किप कर रही हूँ, बट बहुत बहुत पेंटर्स हैं दिल्ली के जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए हैं, जिनसे मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रही है। बहुत ही भाग्यशाली मैं अपने आप को मानती हूँ कि उनके पद चिन्हों पे अगर मैं अपने आप को थोड़ा साबित कर पाऊँ तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी और बहुत पेंटर्स का आशीर्वाद रहा है। डॉक्टर साहब, आप जैसे और भी स्टूडेंट को ज्ञान देते रहे हो, कला का ज्ञान देते रहे हो,
कौन से कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहां आपने ज्ञान दिया या अभी भी दे रहे हो? सबसे पहले तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी और उसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि मैं लुधियाना में आ गई, तो लुधियाना के कॉलेज जो हैं ये पंजाब की जो पांच यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ की पांचों यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा लिंक रहा है और मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड रही और पीएचडी मेरी पंजाबी यूनिवर्सिटी से हुई और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आप मुझे लेने का भी मौका मिला और मुझे देने का भी मौका मिला। आपने आज तक कितनी कला प्रदर्शनियों में भाग लिया हुआ है? 70-80 कला प्रदर्शनियों में तकरीबन पार्टिसिपेशन की हुई है और सोलो शोज भी किए हुए हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल शोज किए हुए हैं। यस। आप किस विषय पर ज़्यादा जो है आर्ट करते हो? मैं ज़्यादातर नेचर पे काम करती हूँ। नेचर में भी कभी ट्रीज हैं, वाटर सीरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, रॉक एंड वाटर सीरीज हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो ये एंडलेस है, क्योंकि कभी मैंने ट्रीज पे काम किया, कभी मैंने रिवर्स पे काम किया, कभी रॉक्स पे काम किया, कभी स्पेस पे भी काम किया है। तो ये इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सम पर्टिकुलर, माउंटेन्स पे काम किया। तो मेरा जो रुझाव है इन्हीं पे ही रहता है, लाइक कभी माउंटेन्स हो गए, कभी जंगल्स हैं, तो इस तरह से मेरे पेंटिंग्स का फोकस रहता है। जैसे आप बता रहे हो कि ज़्यादातर जंगल पे, ट्रीज पे आपका काम रहा, नेचर पे ज़्यादा रहा, कभी कभी लाइव पेंटिंग करने के लिए जैसे वादियों में गए हो या पहाड़ों में गए हो कहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं काफ़ी टूरिंग करना पसंद करती हूँ और वो भी ज़्यादातर हिल स्टेशंस पे। तो और अगर कई दफ़ा हिल स्टेशंस नहीं भी है, हम वैसे ही ट्रैवलिंग में हो आप, तो मेरा ध्यान बाहर ही रहता है, नेचर पे ही रहता है। तो वो मैं अक्सर परसीव करती रहती हूँ, मैं मेरा माइंड वो चीज़ें एब्जॉर्ब करता रहता है। और क्या होता है, जब मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ तो वो सारा उसी तरह के ही एक्सप्रेशंस, उसी तरह के ही जो मैंने अपने अंदर परसीव किया है नेचर को, तो मैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ। नेचर के वेरियस मूड्स हैं, टाइम ऑफ डे वेरियस है ना, राइजिंग सन है, आफ्टरनून है, सनसेट है। इवन मैं अपने पेंटिंग में नाइट भी शो करती हूँ, क्योंकि नाइट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बहुत कम देखे कि पेंटर्स ने ब्लैक स्काई नाइट पेंट किया हो। अक्सर होता है कि मॉर्निंग राइजिंग सन बनाया हुआ है, सनसेट है। तो मुझे, मैंने अपने कुछ वर्क्स में नाइट भी शो की हुई है। नाइट भी उतनी ही सुंदर है जितना डे है, और हमें आई थिंक सब कुछ ही करना चाहिए। तो आई फील, तो मैं सब कुछ ही करती हूँ। डॉक्टर कर्णा मिंद्रा जी, आप जैसे अपनी पेंटिंग बनाते हो, चित्र जो है वो कैनवस पर उतारते हो, तो कौन से कलर जो है ज़्यादा यूज करते हो, ऑयल कलर, अक्रेलिक कलर या वाटर कलर? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो पैलेट है ये काफ़ी वास्ट है। मैं ऑयल में भी मैंने बहुत काम किया है, एक्रेलिक में भी करती हूँ, मिक्स मीडिया में भी करती हूँ। शायद ही आर्ट मटेरियल कोई ऐसा होगा जो मैं यूज़ नहीं करती। इलस्ट्रेशंस भी मेरा एक बहुत ज़्यादा, मेरा एक पैशन का एक सब्जेक्ट है, और उसमें भी मैं हमारा एंशियंट कल्चर जो रहा है फीमेल फोकस्ड, तो वो मैं रोज ही पेन ड्राइंग भी करती हूँ, रोज, एवरी डे। इवनिंग इज़ गिवन फॉर द स्केचिंग एंड पेन ड्राइंग्स। तो वो मैं, मेरा रेगुलर पैलेट को मैंने बताया कि मीडियम मेरा सभी कुछ यूज़ करती हूँ, सभी में ही काम करती हूँ। कलाकार को चाहिए सुकून और सहयोग, सुकून मिले
तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा कला वर्क होता है। सहयोग मिले तो उससे भी बढ़कर, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। आपको परिवार में किससे ज़्यादा सहयोग मिलता है? देखिए, मैंने बात की जिस परिवार में मैं पैदा हुई, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ही मैं कहूँ कि वो मेरे गुरु, मेरा सब कुछ ही पेरेंट्स की तरफ से वो रहा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड इज़ लाइक माई फ्रेंड, माई एवरीथिंग। तो मेरे हस्बैंड का बहुत ही सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में आगे जाने का, जो कुछ मैंने चाहा। मेरे PhD करते दौरान भी, उससे पहले भी, ही हैड बीन अ ग्रेट ग्रेट सपोर्ट। और दूसरा, बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, बच्चे भी एनकरेज करते थे, सपोर्ट करते थे, अप्रिशिएट करते थे। तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे। आई थिंक एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि अगर हस्बैंड्स वाइफ्स को थोड़ा भी सपोर्ट करें तो, क्योंकि उनमें भी बहुत कुछ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, वो कुछ करना चाहती हैं। अगर हम अपने घर की लेडीज़ को थोड़ा भी सपोर्ट करें तो वो बहुत आगे निकल सकती है, बहुत कुछ दिखा सकती है। आपने बहुत तारीफ की अपने पति जी की, पति परमेश्वर होते हैं अगर कोई माने तो उनका नाम जरूर बताएं। दिनेश महिंद्रा। ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करूंगा कि जैसे आपने गुरु लफ्ज जो है वो अपनी जो अभी बातचीत चल रही है इसमें जूझ करा है, तो आप भी गुरु रहे होंगे, अभी भी चल रहा होगा। आपके कौन से वो शिगिर्द हैं जिन्होंने नाम कमाया है, उनका नाम जरूर बताएं। जैसे देखिए, मुझे लगता है सिंसेरिटी लाइफ में बहुत पे करती है। मुझे लगता है मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, और मुझे मेरे टीचर्स प्यार करते थे। फिर जब ज़िंदगी में मुझे टीचर बनने का मौका भगवान ने दिया, तो मैं भी शायद बहुत अच्छी टीचर थी, जो मुझे स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते थे। आज मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं और काफ़ी कुछ मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, और बहुत अच्छा स्टूडेंट्स कुछ कुछ कर रहे हैं। और रादर मैं ऐसा भी बताऊंगी कि मेरे से पहले मैंने उनको डॉक्टरेट करवाया, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो एक का नाम तो मैं नहीं ले सकती, कई स्टूडेंट्स हैं, कोई कनाडा में है, इंडिया में है, कोई USA में है, तो वो मुझे बहुत प्यारे हैं, शायद उनको भी मैं उतनी ही प्यारी हूँ। तो सिंसेरिटी की हम बात कर रहे थे, तो वो आई वॉज़ अ वेरी सिंसियर टीचर ऑल्सो। और एक कलाकार होने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है, शायद किसी भी फील्ड में सिंसेरिटी ही पे करती है। तो वो स्टूडेंट टीचर का बहुत अच्छा योगदान रहा एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट मेरा, और एज ए आर्टिस्ट ऑल्सो अपने प्रोफेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि अब जो जुनून है, सिंसेरिटी है, तो वो हमें काम करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल फिर अभी वही है कि जैसे एक गुरु के बहुत शिगिर्द होते हैं, लेकिन कई शिगिर्द ऐसे होते हैं जो कई बार काम करते करते, कला वर्क करते करते फंस जाते हैं, तो फिर पूछते हो फ़ोन करके कि मैं जहाँ फंस गया हूँ कैसे आगे जाऊँ। कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपसे हमेशा मांगता हो या मांगते हो, उनका नाम जरूर। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी डॉटर्स के जैसे ही हैं, तो अभी तक मेरा उनके साथ बड़ा डीप रिलेशन है। दे कीप कॉलिंग मी। और डॉली हैं, अदिति हैं, और भी कई स्टूडेंट्स हैं, जो गुरप्रीत हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, शायद मैं अब उनका बारी बारी से नाम शायद मैं स्किप कर जाऊं, लेकिन वो जहां भी है, दे नो मी, आई नो देम। या ऐसा भी नहीं कि जो आप वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स से, वैसे भी आई एम अ टीचर, तो मैं, मेरे से कोई भी कभी भी कोई कॉल करता है, कर सकता है और करते भी हैं, तो मैं उनके डाउट्स क्लियर करती हूँ।
देखो बात ऐसे है कि सभी स्टूडेंट के नाम तो लिए नहीं जा सकते। मेरा सवाल भी ऐसा ही था, टफ सवाल था कि एक तो बच्चा होता नहीं है, गुरु को तो सभी जो जितने भी शिगिर्द होते हैं सभी प्यारे होते हैं, इसलिए जितने भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं इनके स्टूडेंट, वो ये बात याद रखें कि डॉक्टर साहब नाम लेना चाहते थे और लड़ी बहुत लंबी होती है, इसलिए कोई भी दिल पे मत लगाए कि हमारा नाम नहीं आया, आगे हमारा नाम नहीं आया। गुरु को सभी शिष्य जो हैं बहुत प्रिय होते हैं और दिल के करीब होते हैं। और हम बात करते हैं कि जो आपने पीएचडी करी आर्ट क्षेत्र में, वो कहाँ से करी? मैंने अपनी पीएचडी पंजाबी यूनिवर्सिटी से की, और अब मैं यूनिवर्सिटी की भी तारीफ़ करती हूँ, अपनी गाइड की भी तारीफ़ करती हूँ। कविता सिंह मेरी गाइड रही हैं और वो भी बहुत अच्छी कलाकार हैं और एक बहुत ही डेडिकेटेड गाइड है, एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को वो गाइड करती हैं। और आई थिंक एक कला वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा एक सच अ गुड, शी इज़ डूइंग प्रिपेयरिंग रिसर्चर्स फॉर द आर्ट सोसाइटी। जब कला के क्षेत्र में आप आए, स्टूडेंट से लेकर टीचर भी बने, डॉक्टर भी बन गए, आपने नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल पद पर जो है वो जाकर अपना कला वर्क करा, प्रदर्शनियां लगाई, ये सफर आपका कैसे रहा? क्या होता है, आप जब पेंटिंग करते हो तो आपको वेट होती है कि इसको कोई देखे, ये किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सके, कोई इसको समझे, कोई इसको बताए, तो आप चाहते हो कि इसको आप एग्जिबिट करो, आप पार्टिसिपेट करो, आप सोलो शो करो, आप इंटरनेशनल शो में आप पार्टिसिपेट करो। ट्रिनालेस बिनालेस रहे हैं जिनमें मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो एक एक्साइटमेंट रहती है कि लेट्स सी दूसरा इसको कैसे रीड करता है। ये मैंने अपने ढंग से जो मैंने फील किया वो मैंने ऐसे बनाया, तो दूसरा इसको किस ढंग से देखता है, तो वो एक बड़ा अच्छा फील रहता है कि व्यूअर बताएं, स्पेक्टेटर बताएं कि आपको मेरे वर्क में क्या दिखा, एक एंग्जाइटी रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर कर्णम इंद्रा जी, आपने किस लेवल पर स्टूडेंट को आर्ट का ज्ञान दिया? मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रही कॉलेज में, और एक गैलरी जो आई हैड स्टार्टेड टैक आर्ट गैलरी के नाम से, वो गैलरी की शुरुआत हुई थी, और मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट होने के बाद मुझे सिटी यूनिवर्सिटी ने एज ए डीन भी अपॉइंट किया था। आई एम स्टिल देयर वन ऑफ द मेंटर्स, एंड लेट्स सी हमारा एसोसिएशन कितनी और देर तक रहता है। और लास्ट मेरा डेजिग्नेशन एज ए डीन रहा है एज ए टीचर। डॉक्टर साहब, आप गुरु नगरी अमृतसर में आर्ट के लिए अपनी कला का जो प्रदर्शन करने के लिए कितनी बार जहां आ चुके हो? मैं अमृतसर के साथ एक मेरी बड़ी गहरी एसोसिएशन रही है, मैंने बहुत दफ़ा अमृतसर विजिट किया है, कला के लिए भी विजिट किया है, पार्टिसिपेशन में भी रहा है, मैंने शोज़ भी किए हैं। और शायद इससे भी ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमृतसर एक बहुत ही कल्चर्ड ओल्ड सिटी रहा है, जो हमारा आफ्टर पार्टीशन लाहौर एक समय में बहुत नाम था लाहौर का, और आप ये समझिए कि ये लाहौर एक बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता था, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो अब मैं ये कहूँगी कि अमृतसर इज़ विद द सेम आर्ट एंड कल्चर रादर पंजाब में, बाकी की सिटीज में से बहुत ज़्यादा आर्ट सीन अमृतसर में है। यहाँ पे थिएटर बहुत एक्टिव है, आर्ट बहुत एक्टिव है, यहाँ पे गैलरीज हैं, और दे आर नॉट कमर्शियल गैलरीज,
जो यहाँ की जो गैलरीज हैं वो उनका मेन मोटो ही आर्ट प्रमोट करने के लिए है. तो वेरी रिच हेरिटेज कल्चर अमृतसर का रहा है और जो हमारे बहुत आज भी जो हमारे बहुत रेनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं वो अमृतसर से हैं. कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको बहुत प्यार करती हो, जो बार बार आपको याद करती हो अमृतसर में? अमृतसर में मुझे एक तरह का मुझे अपना सेकंड होम लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो मुझे इनविटेशंस मिलते हैं. तो मैं यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार देने वाले हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ब्रजेश जौली जी यहाँ के एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बहुत सेल्फलेस हैं और बहुत कला के प्रेमी हैं. एंड वो खुद कलाकार नहीं है लेकिन वो बहुत कला को कलाकारों को वो प्रमोट करते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. तो एक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है. एक क्या कहते हैं कि एक बहुत आपसी लगाव है सिटी में जो मेरे को बहुत अपनी तरफ खींचता है और एक ऐसे कल्चर की याद दिलाता है जो हम बहुत पीछे छोड़ा है. डॉक्टर कर्ण महिंद्रा जी, जैसे आपने बताया कि लुधियाना में आप एक आर्ट गैलरी भी होंद में लेकर आए, आर्ट गैलरी लुधियाना में होंद में लेकर आना आपका ड्रीम था या आर्ट जो कला है इसका और प्रचार और प्रसार इसको लेकर आप जो है होंद में लेकर आए गैलरी, ये जरूर बताएं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली आर्ट कॉलेज से हूँ तो एक हमारा एक उस कल्चर में से मैं निकली हूँ कि हम गैलरीज बहुत विजिट करते थे, आर्ट गैलरीज. और मैं पंजाब में आ गई लुधियाना में तो मैं कहीं ना कहीं मिस करती थी और मेरा ड्रीम भी था कि अगर गैलरी नहीं है और बहुत साल वेट करने के बाद वो गैलरी की शुरुआत हुई. और दूसरा ये भी था कि मैं देखती थी यहाँ पे स्टूडेंट्स को उतनी गाइडेंस नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है और मुझे लगा कि मैं एक ऐसी सीट पे हूँ जहाँ पे मुझे कला का प्रचार भी करना है, मुझे स्टूडेंट्स को बताना है कि कितने तरह की आर्ट होती है, ऐसे भी होता है काम, एक्सपेरिमेंटल वर्क भी होता है. तो मुझे लगा कि मैं अगर गैलरी है तो मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकती हूँ और ऐसा ही हुआ. बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा, बहुत लेडीज़ ने बहुत कुछ, आते थे स्टूडेंट्स और उनका बहुत एक्सपोजर हुआ, बहुत कुछ सिखाया और आज बहुत लेडीज़ भी हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन आर्ट को लेके वो आगे काफ़ी आगे निकली हैं. तो कहीं ना कहीं एक बहुत मन में सुकून मिलते कि पहले खुद जुनून था, आपने कला में सीखा किया फिर दिया और अब मैं जब वो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने आगे दिया भी, अगर कुछ हासिल किया तो आगे दिया भी. और वो आपको एक प्रेम और एक प्यार जो लोगों से मिलता है तो लगता है कि जिंदगी सफल ही है. डॉक्टर साहब, जितना आपका ऊंचा काम, जितना ऊंचा नाम, इन दोनों काम और नाम के साथ इनाम का होना भी बहुत जरूरी है. इनाम मीन्स अवार्ड्स, मान सम्मान. वो परमात्मा की कितनी को कृपा हुई आप पे, ये जरूर बताएं. जैसे मैंने जिक्र किया कि बचपन में आप क्लास में बड़े अच्छे हो, आपकी टीचर्स पे बड़ा अच्छा इम्प्रेशन है. ऐसे इम्प्रेशन ही होता काम से ही होता है. और प्रिंसिपल भी और जहाँ जाने अवार्ड मिल लिए वो एक पैशन सा हो गया था कि कॉम्पिटिशन्स में जाना है. एक जैसे होता है कि नहीं नहीं मैंने पार्टिसिपेट करना है, मैंने विन करना है. विन करने का एक आपके दिमाग में जुनून सा हो जाता है कि नहीं मैं वो करते 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 वेरियस अवार्ड्स विन किए
स्टेट लेवल एंड पार्टिसिपेशंस इंटरनेशनल शोज में, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, हो गया बहुत अवार्ड्स वाला, अब ऐसे लगता है कि बस काम करते जाओ, वही है। तो अब मैं काम ही डेडिकेटेडली काम कर रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। नए तरह के एक्सपेरिमेंटल काम पे आजकल मेरा फोकस है ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा है। अब वो जो पहले वाला था दिमाग में कि नहीं नहीं अवार्ड विन करना है, तो अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई। अब ज़्यादा फोकस हो गया कि चुपचाप काम करो, काम पे ही फोकस है, वही सेटिस्फेक्शन है और वही एप्रिसिएशन भी मिलती है। आज केटी कला में वोमन डे को समर्पित किया गया है प्रोग्राम, कोई 70 के करीब वोमन आर्टिस्ट पहुंचे हुए हैं। आप इनमें मुख्य अतिथि के रूप में जहां अमृतसर आए हुए हो, आज कैसे महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये प्यार जो यहाँ के लोगों से मिल रहा है, और पहले भी आती हूँ तो मिला है, आज तो चलो पर्पस कुछ और था, एक बड़ा अच्छा फील होता है। एक बड़ा अच्छा जब मैंने लैंप के बाद भी, जब ज्योति जलाने के बाद भी थोड़ा सा मैंने गर्ल्स को थोड़ा एड्रेस किया, तो मुझे लगा कि हमारे कला क्षेत्र में हिस्ट्री में बहुत कम फीमेल रही हैं, रादर ना के बराबर ही हैं। तो अब हम बहुत एक नई एक सूर्य उदय हो रहा है, एक नयापन है, एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए हर फील्ड में है इनफैक्ट, तो आर्ट का फील्ड भी जो है इसमें भी बाकी के फील्ड्स की तरह बहुत लेडीज़ को आगे आके काम करना चाहिए। बहुत बहुत कुछ है, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। डॉक्टर कर्णम हिंद्रा जी, आपके परिवार में कौन कौन हैं ये हमें ज़रूर बताएं। मेरे दो बेटे हैं और दो बहुएं हैं और मेरे हस्बैंड हैं, और हम ये हमारा छोटा सा परिवार है। बच्चे फॉरेन में होते हैं और वो भी बहुत ही आर्ट, उनके फील्ड अलग है, वो इंजीनियर हैं, और छोटी डॉटीला डॉक्टर है, बड़ी वाली MBA है, और प्रोफेशनल्स हैं आई मीन टू से बच्चे, लेकिन वो बहुत बड़े एडमायरर हैं आर्ट के, तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है। वो चुपचाप देखते हैं, काम अप्रिशिएट करते हैं, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और करती हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत खुश होते हैं। अगर नाम बता दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, नाम जरूर बताओ। मेरी डॉटीला, बड़ी डॉटीला पूनम है, छोटी नीतिका है, और चार ग्रैंड चिल्ड्रन है। बड़े बेटे के दो बेटे हैं, दक्ष एंड पार्थ, और छोटे बेटे की बिटिया है, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, कृषा एंड क्रियांश। बेटों के नाम फिर नहीं बताए। बड़ा बेटा ध्रुव है और छोटा बेटा कुबेर। सफरे जिंदगी एपिसोड 37 में आप सभी ने देखा डॉक्टर कर्णा महिंद्रा जी को, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो सुनी, कला के क्षेत्र में कैसे इनका जो सफ़र जारी है और आगे जो भविष्य में ये करेंगे वो भी सब कुछ इन्होंने बता दिया है। हमारा आपके साथ हमेशा की तरह वादा है कि अगले एपिसोड में भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी शख्सियत लेकर आएंगे। तब तक के लिए दो इजाज़त, नमस्कार।